नदी कंधे पर इस कविता की पढ़ाई करते हैं। इस कविता के कवि हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव। कविता का परिचय देखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। यह कविता कल्पना पर आधारित है। कवि कल्पना करते हैं कि यदि हम नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर ले आते तो कितना आनंद आता। चलो कविता की पढ़ाई करते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते, कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते, नदी आ गई चलो नहाने आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियाँ से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे हम वही रखाते। कविता का सरल अर्थ देखते हैं। कवि कहता है कि अगर यदि हमारा वश चलता हमारा बस होता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते और रोज़ अपने घर के सामने उसे बहाते, हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक नहाते रहते। बहाते यानि नदी को प्रवाहित करना, बहाना यानि नदी को प्रवाहित करना। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। कभी तैरते कभी डूबते इतराते गाते मस्ताते, इतराते यानि खुश होना, मस्ताते यानि मस्ती करना आनंदित होना, आमंत्रित यानि जिन्हें बुलाया गया है, न्योता जिनको दिया जाता है उसे आमंत्रित कहते हैं, भद्र यानि सज्जन। इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। हम कभी नदी में देर तक तैरते, कभी डुबकियां लगाते, कभी पानी की सतह पर आ जाते, खूब मस्ती करते, गाने गाते, अपने सभी परिचितों को आमंत्रित करते और करवाते कि नदी मेरे घर के पास आ गई है, सब लोग नहाने चलो, जितने भी लोग हमारे बुलाने पर आते हम सभी सज्जनों का नदी से परिचय करवाते। जब कभी हमारे मन में नदी को पार करने का विचार आता तो हम तुरंत नदी के पार जाते। अगली पंक्तियाँ देखते हैं। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर, ढले यानि बीत जाना, बीतने पर, उठाकर यानि उठा के ले जाना, तो अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते, तब हम नदी के दूसरी ओर खड़े होकर जोर जोर से माँ को हमारे आवाज़ देते, खूब चिल्लाते, जब शाम रात में बदलने लगती तब हम मित्रों की सहायता से उनकी मदद से नदी को अपने कंधे पर रखवाते और वहीं ले जाकर उसे रखाते जहाँ से लाए थे। कितनी सुंदर कल्पना कवि ने यहाँ पे की है। यह एक कविता कल्पना पर आधारित है और नदी को कंधे पर उठाकर अपने घर लाना चाहते हैं और फिर जहाँ से लाया हुआ है वहीं पे छोड़ आना चाहते हैं।